उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 11 मई को कानपुर में होनी है वोटिंग। इसी को लेकर पार्षद प्रत्याशी क्षेत्र का कर रहे हैं भ्रमण। वहीं वार्ड 46 से निर्दलीय महिला पार्षद प्रत्याशी लक्ष्मी अवस्थी जी ने क्षेत्रवासियों से वोटिंग करने की अपील। कहा, पहले मतदान फिर करें जलपान। उन्हें क्षेत्र का विकास कराना है तो एक बार अवश्य हमको जिताना है। आइए देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने और उनके सुपुत्र ने। आप वार्ड 46 से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी हो जी, अपने क्षेत्रवासियों से 11 मई की वोटिंग के लिए क्या अपील करना चाहोगे? हम तो सबसे हाथ जोड़ कर यही अपील करना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी बहुमत से विजय बनाएं और हम अच्छा कार्य करें आप लोगों के लिए। जो भी हम हमारे पार्षद उसमें आ रहा है, जो भी काम होगा हम उसमें करेंगे। जो भी पाए हैं वो हम कार्य आप करेंगे करेंगे। कौन से वो कार्य हैं, कौन से वो मुद्दे हैं जो आप अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में आकर करोगे? मेरा मेन मुद्दा तो पहली बात तो जो रोड टूटी फटी है वो, और नाली खड़ंजे पानी और जो बत्ती की व्यवस्था है, ये चीज़ पहले हम सबसे पहले ये करेंगे। फिर उसके बाद अपनी महिलाओं के लिए करेंगे और ऐसे काम है जो हम हमारे पार्षद उसमें निधि में जो आएंगे वो हम सरकार करेंगे। तो जो बोलिए तो जो फिर हम बोल हवा जो भी मतलब गरीब कन्याओं का विवाह और बारात साला का जो मतलब मुद्दा है और मुद्दा क्या अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों से? मैं विजयलक्ष्मी अवस्थी वार्ड 46 से, फिर लक्ष्मी अवस्थी वार्ड 46 से पार्षद निर्दलीय पार्षद पद से। क्या जनता से आप संदेश देना चाहेंगे 11 तारीख को लेके? मैं जनता से ये वाली 11 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा भारी बहुमत से डमरू वाले खाने पर बटन दबाकर विजयी बनावें। आने वाली 11 तारीख है, उस पर चुनाव के लिए अपने क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहोगे? मेरी यही सभी क्षेत्रवासियों से अपील है कि आने वाले 11 तारीख को मतदान दिवस के दिन सभी अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्र में अवश्य पहुँचें और डमरू वाले खाने पर बटन दबाकर हमें इस चुनाव में भारी बहुमतों से विजय बनाए कि जिससे हम सभी इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा कार्य कर सकें, एक आदर्श वार्ड बना सकें, जैसे हमारा कानपुर कहते हैं कि स्मार्ट सिटी ऐसे स्मार्ट वार्ड के रूप में चीज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे हम लोग। बस क्या करेंगे, समय समय पर कैंप लगा कर उनका पूरा करेंगे? देखिए समस्याएँ तो इस वार्ड में बहुत ही ज़्यादा हैं क्योंकि जैसे आपको पता है कि काफ़ी वार्ड क्षेत्रीय स्तर काफ़ी बड़ा है और ये जो आपका जिस स्तर जहाँ पर आप खड़े हुए न्यू आज़ाद नगर क्षेत्र में ये पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है कि अभी तक इसमें मूलभूत सुविधाओं से ये बहुत वंचित रहा है ये क्षेत्र। हमारी बस यही अपील है कि एक बार हम लोग को मौका दीजिए और हम लोग की कार्यशैली देखिए कि अगर मैं हम उन सभी वादों पर खड़े उतरेंगे जो भी हमारे मूलभूत पे है, समय समय पर कैंप से लेकर के दैनिक सुविधाओं से लेकर फॉगिंग से लेकर के दैनिक समय पर नाली रोड सफाई, जहाँ जहाँ खड़ंजे का व्यवस्था नहीं वहाँ खड़ंजे से रोड नाली और ये सब मूलभूत सुविधाएँ हैं जो नगर निगम हम लोग प्रोवाइड कराएंगे उनको कराने का कार्य करेंगे। किस तरह कार द्वारा जो भी उनके हितों के लिए निकाली गई सुविधाएँ हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो उजाला ये हो, चाहे वो आपके आधार कार्ड के लिए, जहाँ आपके विभिन्न तरीके सरकार द्वारा जो भी विभिन्न योजनाएं आपके क्षेत्र पे आ रही हैं, चाहे वो आपकी कॉलोनी के लिए आ रही हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उस चीज़ों को प्रोवाइड करके हम लोग ऐसा डाकिये का कार्य करेंगे क्षेत्र द्वारा सरकार के द्वारा योजनाओं को उठाकर आम जनमानस तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। जनता के लिए बस हमारा यही कहना है कि देखिए उनको जागरूक करना है, उनको पढ़ा लिखा कर और उनके मूलभूत सुविधाओं को इतना बढ़ाना है कि गरीब ना रहें, उनको रोजगार दिलाने का कार्य हम सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर करेंगे। हमारी वार्ड 46 की सभी सम्मानित जनता से हाथ जोड़कर अपील है कि हमारी माता जी श्री विजयलक्ष्मी अवस्थी वार्ड नंबर 46 से पार्षद पद प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव चिन्ह डमरू है, आप सभी डमरू वाले खाने पर बटन दबा करके उन्हें भारी बहुमत से विजय बनाएं। जय हिंद का विकास करें और क्षेत्र का विकास करें।